नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़ज़िया लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इतला कर दूँ कि मुश्तरका क़ुरबानी में नाम लिखाने का आज का आखिरी दिन है। आज या कल में आज सुबह तक लिखवा सकते हैं। नीचे नंबर है व्हाट्सएप पर, उस पर जो है आप लोग मैसेज कर दें। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं पहली ख़बर की। लगता है कि इलेक्शंस के बाद मुसलमान किसी न किसी बहाने लगातार निशाने पर है। आज की मेरी मॉर्निंग प्राइम टाइम भी देखेंगे तो उसमें जितनी भी मैंने ख़बरें पेश की हैं वो सब इसी तरह की ज़ुल्म ज़्यादती की कहानियाँ हैं। गुजरात की बात किया मैंने, राजस्थान की किया, यूपी की किया, तेलंगाना की किया। अब बात करूंगा मैं मध्य प्रदेश के रतलाम की। यहाँ हिंदुत्व ग्रुप ने मिलकर के एक मुसलमान के घर को गिरा दिया है और फिर उसके बाद जुलूस भी निकाला गया है और लाउड स्पीकर के ज़रिए से माहौल को ख़राब करने की पूरी कोशिशें होते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की कोशिशें हुई हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि रास्ते पर एक गाय का सर इनको मिला। अब ये गाय का सर काट करके फेंकने वाले कौन थे, क्या थे, इस पर तफसीलात कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि ईद का मौका है, हालात को बेकाबू करो, हालात को ख़राब करो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हालात बनाओ, फसादात करवाओ और ईद को जो है ईद मनाने ना दो। ये हिंदुत्व दहशतगर्दों का पहला जो है मकसद होता है। अभी मध्य प्रदेश के रतलाम की दो वीडियोस हैं। अभी किसने फेंका, क्या फेंका, किस वजह से फेंका, क्या खुद इन्होंने फेंका था, एक मंदिर में फेंका गया था, इल्ज़ाम लगाया गया है काट कर। और ये सब शरारतें मुसलमान तो करता नहीं है, आप लोग जानते हैं। ऐसे कितने इल्ज़ामात लगे हैं जो इस तरह से हुआ। जब भी फसादात करवाने के लिए अजबखुद फतराव करवाया जाता है अपने ऊपर, फिर जो है मुसलमानों पर इल्ज़ाम धरा जाता है। इसी तरह कहीं पर किसी का कटा हुआ सर लाते हैं, वो मंदिर में फेंक दिया जाता है, फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बना। देखिए किस कदर तैयारी के साथ जो है इस वक्त ये पूरे हाथ में डंडे लाठियाँ दे करके निकले हुए हैं और बाकायदा लाउड स्पीकर के ज़रिए ऐलान हो रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त के भारत की सूरत हाल है, संगीन सूरत हाल है। मीडिया इस एक तरफा ज़ुल्म व सितम पर गुफ्तगु नहीं कर रहा, इस पर बोल नहीं रहा। इंतज़ामिया खामोश है, पुलिस खामोश है और ये गुंडे शरपसंद अनासिर लगातार महल्ले महल्ले, गली गली, शहर शहर जाकर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बना करके उनकी दुकानों को, उनके जो है घरों को मिसमार करने की कोशिश करते। किस तरह के अंधेर नगरी चौपट राज का इस वक्त जो है जिंदा मिसाल, ये सारी चीज़ें पेश की जा रही है, आप इससे अंदाज़ा लगा। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इस सिलसिले में मज़ीद कुछ तफसीलात नहीं आ रही हैं, अब देखना है कि आगे क्या तफसीलात आती है। अलबत्ता ये दो वीडियो शेयर करते हुए इसी चीज़ का तस्करा किया जा रहा है। इस पर भी मीडिया बोलेगा नहीं और उन जराइम पर भी मीडिया नहीं बोलेगा जो जराइम बहुत ही ख़तरनाक, हैबतनाक, हैवान भी जिससे शर्मसार हो जाए। हाँ, अगर उसमें कोई खाती मुसलमान निकल आता है तो वो जुर्म इस कदर भयानक जुर्म बन जाता है कि दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं। जैसे एक आज जो तेलंगाना से वीडियो आई है, 6 साल बच्ची का न सिर्फ रेप किया गया है बल्कि उसको कत्ल कर दिया गया है। और जानते हो करने वाला कौन है? बालाराम इसका नाम है, 35 साल है, इसको कस्टडी में ले लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए से बालाराम जिस तरह बच्ची को उठा करके ले जा रहा था उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन मीडिया भी नहीं भोंक रहा, इंतज़ामिया भी नहीं भोंक रहा, किसी को इस जुर्म की जो है हैबतनाकी, उसकी हैवानियत की इंतहा, उसकी दरिंदगी, वो कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। वजह है कि नाम बालाराम। तो ये इस वक्त के भारत की सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर आप लोगों के सामने लाता हूँ और वो ये है कि इस वक्त जो है
एक और कथावाचक को ये खबर भी आनी चाहिए थी। कथावाचक यानी कहानी सुनाने वाला, मसलन ये कि अगर रामायण को या फिर इस तरह की चीज़ों को जो सुनाया जाता है, ये भी बाबा पुजारी होते हैं और इसका नाम है मारुति बाबा। असमत दरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ है, उसका शागिर्द मफरूर है और मीडिया को सांप सूंघ गया है। ये मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का है। ट्रांस यमुना पुलिस स्टेशन का के मातहत में ये इलाका आता है, जहां पर ये वृंदावन का रहने वाला कथावाचक मुलजिम 28 मई 2023 को अपनी शागिर्दा के घर आया था और खातून ट्रांस यमुना कॉलोनी में किराए पर रहती थी। उस दिन खातून का शोर शराब पीकर घर आया था, जिसकी वजह से खातून ने बाबा को वहीं रोक लिया। रात में खातून के साथ बाबा ने जिनसी ज्यादती कर दी। खातून माजूर है। सुबह खातून ने अपने शोहर को जिनसी ज्यादती के वाक़े से इत्तला दी और शोहर ने बदनामी का हवाला देकर उसे खामोश करा दिया। कुछ दिनों के बाद कथावाचक बाबा ने वीडियो बना लेने की बात करते हुए उसे धमकी देने लगा और फिर खातून को उसके बाद कई मकामात पर बुलाकर के उसके साथ जिनसी ज्यादती की। खातून ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की। कई माह तक थाने में कोई कार्रवाई ना होने पर बिलाखिर खातून ने अदालत से इंसाफ की गुहार लगाई और अदालत के हुक्म पर खातून के साथ जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इस पुजारी मारुति बाबा को, जो कथावाचक कहलाया जाता है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसका शागिर्द अब मफरूर है। यह भी किस कदर भयानक जो है, एक माजूर खातून के साथ जो अपने उसकी शागिर्दा कहता था उसी के साथ जिनसी ज्यादती करता है, शोहर खामोश करवाता है, पुलिस मामला दर्ज नहीं करवाता, अदालत में जाती है तो मुकदमा दर्ज होता है, इसके बावजूद मीडिया को ये मामला संगीन नज़र नहीं आता, इस पर कोई मजहब नज़र नहीं आता, इस पर कोई जो है इनको जुर्म नज़र नहीं आता। ये सारी लगातार ये वारदात पेश आ रही हैं, ये हादिसात पेश आ रहे हैं, ये घिनौने जराइम पेश आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, कहीं आपने देखा कि इस पर जो है कोई भी हुकूमत इसको संजीदगी से लेती नज़र नहीं आ रही? बात हो रही है तो ईरान तुरान की बात हो रही है। आइए नाज़रीन ग्रामी, एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं। भागवत से मिलेंगे योगी। आपको पता है कि बीजेपी और संघ परिवार के दरमियान में इस वक्त किस तरह की कशमकश जारी है और खाना जंगी जारी है, खींचा तानी जारी है और यह खबर आ रही है कि योगी जो है वो भागवत से मिलकर के इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे, इस कशमकश को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पर सर मंजर में मीटिंग जो हो रही है उस पर तमाम लोगों की निगाह है। इसका नतीजा क्या निकल करके आता है, ये लोगों को इसका इंतज़ार रहेगा। वहीं नाज़रीन ग्रामी, आसिफ नगर में नौजवान पर मोहलिक हथियारों से हमला करने की एक दिल दहला देने वाली वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। इस वीडियो की कुछ फुटेज सिर्फ आप देख सकते हैं, हम हमला दिखा नहीं सकते। वीडियो में देखा जा सकता है एक नौजवान को चंद नामालूम अफराद ने पुरहुजूम बाजार में भगा भगा कर चाकू से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। ये वाकया हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में कल रात में पेश आया था। इस वीडियो में 2 से 3 अफराद हैं जो नौजवान को मसरूफ़ तरीन सड़क पर भगा भगा कर चाकू से हमले कर रहे हैं और सड़क हर तरफ ट्रैफिक जाम हो चुका है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये है दिन दहाड़े गुंडागर्दी, दहशतगर्दी इस वक्त हर जगह फैली हुई है। और आपको मालूम होना चाहिए कि उस नौजवान की शनात कुतुबुद्दीन की हैसियत से हुई है और उसे मकामी लोगों ने महदीपट्टनम के नानल नगर के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। अब ये देखा जा रहा है कि कौन इस पर हमला किया गया, कौन सी ज़ाती दुश्मनी थी या कोई और मसला था। नाज़रीन ग्रामी, कलकत्ता में जो एक खानगी लॉ कॉलेज की टीचर जो अभी हाल ही में अपने इस्तीफ़ा की वजह से जो है सुर्खियों में आई थी और इस मामले को लेकर के लगातार जो है तनकीद हो रही थी और लॉ कॉलेज के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने का मग़रिबी बंगाल की हुकूमत से मुतालबा बढ़ रहा था, तो इस दरमियान में खबर आई कि जो है इस इंतज़ामिया की जानिब से इस खातून को, इस टीचर को जो है ये मेल गया था कि वो जो है हिजाब से हट करके अपने ओढ़नी को हिजाब के तौर पर इस्तेमाल करके पढ़ा सकती हैं। और इसका जब मेल आया था तो खातून ने एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी इसका जवाब देने के लिए, अब उन्होंने जो है इसका जवाब भी दे दिया है। संजीदा कादर ने कहा कि उन्होंने मुलाजिमत से रुजू नहीं होंगी और कहा कि
ईमेल अपना फैसला कॉलेज इंतज़ामिया को मैंने बजरी ईमेल रवाना कर दिया है। नालीगंज में वाक़ एलआईडी लॉ कॉलेज ने 10 जून को ईमेल के ज़रिए से टीचर से कहा था कि वह असातिज़ा के लिए मुकर्रर ड्रेस कवायद की पाबंदी करते हुए ड्यूटी से रुजू हो सकती हैं और क्लास में अपना दुपट्टा सर पर स्कार्फ के तौर पर लगा सकती हैं। लेकिन संजीदा, जिन्होंने अपने फैसले से मुतला करने की एक हफ्ते की मोहलत तलब की थी, उन्होंने जुमेरात को ईमेल पयाम रवाना करते हुए कहा कि इंतज़ामिया के हुक्म पर बहतियात करते हुए फैसला की हैं कि कॉलेज में रुजू नहीं होंगी और उसके बजाय नए मौाक़े तलाश करेगी, क्योंकि उनका यकान है कि इस वक्त उनके मकासद हासिल करने में ये बेहतर पसंद है। वैकैफ नाज़िर गिरामी, जब सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हुई थी और कॉलेज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जब पूरी तरह से जो है नाराज़गी नज़र आई, तो उस वक्त कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से ये मेल जो है वो आया था, लेकिन अब इसका जवाब भी दिया गया है। नाज़िर गिरामी, रवा साल के सबसे कम उम्र तरीन आज़िम हज का दौरान तवाफ़ इंतकाल होने की खबरें आ रही हैं। खबर है नाज़िर गिरामी के गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अय्याम हज के दौरान मक्के मुकर्रमा की मुअत्तर फिज़ा में इंतकाल करने वाला ये बच्चा याहिया मोहम्मद रमज़ान है, जो मिस्र से ताल्लुक़ रखता है, जिसको रवां साल कम उम्र तरीन हाजी करार दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक याहिया की मौत मक्के मुकर्रमा में मुमकिन तौर पर शदीद गर्मी से उस वक्त हुई जब यह हालत अहराम में अपने वालिदैन के हमराह खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था। सोशल मीडिया पर भी इस बच्ची की तस्वीर वायरल हो रही है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक बच्ची की मौत शदीद गर्मी की वजह से हुई, जबकि दीगर ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में हादिसाती तौर पर बुलंद रिहायशी इमारत से नीचे गिरा, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। बच्चे को नमाज जनाजा के बाद मक्के मुकर्रमा में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। सोशल मीडिया पर सारिफिन बच्ची की मौत पर अफसरदा और वालिदिन से इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। तो नाज़िर गिरामी, तवाफ़ के दौरान जो है इस बच्चे के इंतकाल की ये खबर है। उधर अलकुस ब्रिगेड्स का गज़ा के अतराफ़ में रॉकेटों से हमला करने का जो है खबरें आ रही हैं। ब्रिगेड्स ने एक फौजी रिपोर्ट में कहा है कि उशदूद, अस्कलान, वफलसेम, नैराम, सदिरूत, सहनी गहराइयों में वाक़ शहरों और गज़ा की पट्टी की बस्तियों पर इसराइली जारहियत के जवाब में रॉकेटों से सख्त हमला कर दिया गया है। ब्रिगेड्स ने ऐलान किया कि उन्होंने रफा शहर के मशरक में करम अबू सालिम साइट और सोफा मिलिट्री साइट के इर्द गिर्द सहनी दुश्मन के ठिकानों पर भारी मार्टर गोलों के साथ बमबारी की और इसमें जो है सहनी दुश्मनों को जो है नुकसान भी पहुँचा है। इधर नाज़िर गिरामी, गज़ा की पट्टी में मज़ीद 3 कत्लेआम के ज़रिए से बच्चों और ख़वातीन समेत 30 फिलिस्तीनियों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। ज़ालिम दहशतगर्द सहूनी कुत्तों की जानिब से और इन जो है दहशतगर्दों की जानिब से लगातार इस वक्त जो है गज़ा की पट्टी में और राफा के अतराफ व अकनाफ में जो है लगातार कत्लेआम मचाए हुए हैं दरिंदों ने। इधर 24 घंटों के अंदर जो हमले किए गए हैं ज़ालिम सहूनी दरिंदों की जानिब से, उसमें मज़ीद 30 अफराद के शहीद होने और 105 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। नाज़िर वैकैफ नाज़िर गिरामी, यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।